हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक ऑन माय चैनल, जहां आज हम डिस्कस करेंगे 5G कनेक्टिविटी एंड इफ इंडियन स्मार्टफोन मार्केट इज रेडी फॉर इट और नॉट। इंडिया में काफी सारे फोन्स लॉन्च हो गए हैं जिसमें 5G कैपेबिलिटीज है, लेकिन अगर इंडिया में 5G कनेक्टिविटी ही नहीं है तो ऐसे फोन्स लेने का क्या फायदा। कुछ लोग सोचते हैं कि 5G फोन्स में 4G कनेक्शन बेहतर होता है, तो उस हिसाब से 5G फोन्स बेनिफिशियल है, लेकिन एक्चुअली में 5G की फ्रीक्वेंसी जो है वो कंपैटिबल नहीं है 4G से। Before going further into the video, if you are new to this channel, then please subscribe and hit the bell icon to receive instant notifications on your phone. 5G basically मतलब fifth generation of mobile network जो कि बेहतर होगा 4G से। 5G की spectrum यानी radio frequency बहुत extreme है as compared to 4G. 4G में जो max frequency है वो है 8 GHz, लेकिन 5G में ये frequency 95 GHz तक जाती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि वाईफाई राउटर्स सपोर्ट करते हैं 2.5 GHz एंड 5 GHz फ्रीक्वेंसी, जिसमें 2.5 GHz में आपका वाईफाई नेटवर्क बहुत डिस्टेंस तक अवेलेबल होता है बट स्पीड्स रिड्यूस हो जाती है, एंड 5 GHz में आपका वाईफाई नेटवर्क एक लिमिटेड एरिया तक ही अवेलेबल होता है बट स्पीड्स कॉन्स्टेंट एंड स्ट्रांग रहता है। ठीक उसी तरह 5G कनेक्टिविटी की क्लासिफिकेशन तीन अलग टाइप्स में अवेलेबल है, लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड। लो बैंड में फ्रीक्वेंसी क्लोज टू 1 GHz रहेगा जो स्पीड्स देगा 100 Mbps टू 300 Mbps। मिड बैंड की फ्रीक्वेंसी रहेगी 1 GHz टू 10 GHz जो करेंटली 4G में ऑलरेडी अवेलेबल है एंड वाईफाई राउटर्स में भी, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया। इस फ्रीक्वेंसी में 400 टू 600 Mbps ट्रांसफर स्पीड्स की कैपेबिलिटी रहती है। हाई बैंड में फ्रीक्वेंसीज 20 टू 95 GHz अवेलेबल होंगी एंड थियोरेटिकली ये स्पीड्स अचीव कर सकता है 10 GBPS तक, बट रियल लाइफ यूसेज में शायद 1 to 2 GBPS ही अवेलेबल रहेगा। हाई बैंड फ्रीक्वेंसी में एक प्रॉब्लम ये है कि ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को आर पार नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट अनयूजेबल बन जाता है। 5G इंटरनेट वैसे है तो काफ़ी स्पीड, लेकिन इट डजेंट ओनली मीन्स नेटफ्लिक्स एंड चिल एट 8K। 5G के बहुत अलग यूसेजेस भी हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे IoT डिवाइसेस, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी डिवाइसेस, इम्प्रूव्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट्सेट्रा। इंडिया में ऑप्टिमल 5G कनेक्शन का इंतज़ार करना मतलब अच्छे दिनों का इंतज़ार, क्योंकि यहाँ इंटरनेट स्पीड्स की हालत के बारे में आपको पता ही है, और यहाँ 4G कनेक्शन ही अच्छे से चल जाए तो मेरे लिए वही अच्छे दिन होंगे। फोर जी कनेक्टिविटी इंडिया में स्टार्ट हुआ था 10th अप्रैल 2012 में एयरटेल कंपनी की तरफ से। 4G स्पीड्स टेक्निकली होनी चाहिए 100 Mbps, लेकिन इंडिया का एवरेज स्पीड रहा है 11.46 Mbps अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट मेड इन December 2019। अब इसको अगर आप ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करेंगे तो ग्लोबल एवरेज 4G स्पीड्स है 32.01 Mbps, जहां इंडिया रैंक करता है 128 आउट ऑफ द 140 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एवरेज मोबाइल स्पीड्स। तो आप पूछेंगे इंडिया में 4G इतना स्लो क्यों है, तो इसके चार अलग रीजंस हैं। पहला रीज़न है स्मार्टफोन्स में डिमांड बढ़ने की वजह से डाटा यूसेज में भी डिमांड्स बढ़ने लगे हैं। पहले हमें 1 GB डाटा लिमिट मिलता था, अब वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, तो इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? ऑफकोर्स आम जनता पे। हमारे डाटा लिमिट्स बढ़ रहे हैं लेकिन बिना बेहतर स्पीड्स के। टेलीकॉम ऑपरेटर्स हाई कंज्यूमर डिमांड्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नेटवर्क्स में ओवरलोड हो रहा है जिसकी वजह से स्पीड्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी वजह है डाटा पैक सस्ते होने लगे हैं इंडिया में। हमें ज़्यादा पैसा भरना पसंद नहीं, जिसकी वजह से इंटरनेट पैक्स सस्ते होने लगे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम नेटवर्क टावर्स भी क्राउडेड होने लगे हैं, जो अल्टीमेटली नेटवर्क कंजेशन का इशू बन जाता है। इस कंजेशन की वजह से 4G क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और पैक्स सस्ते होने की वजह से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता कंपनीज में कि वो अपनी सिस्टम्स को अपग्रेड कर पाए। तीसरा रीज़न है फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ कंपनीज। हमारा इंडियन टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही फाइनेंशियल मैस में फंसा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनीज नेसेसरी इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं पा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में। एक्सपर्ट्स के हिसाब से टोटल 5 लाख टेलीकॉम टावर्स है, जिसमें सिर्फ 25% टावर्स फाइबर ऑप्टिक्स से कनेक्टेड है, तो स्पीड्स को बढ़ाने के लिए अपग्रेड्स आर नेसेसरी ऑन द करेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। द लास्ट रीज़न है स्पेक्ट्रम एलोकेशन, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसीज एलोकेशन, जो सरकार इन कंपनीज को देती है वो बहुत ही कम है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अगर सरकार कोऑपरेशन करे इन कंपनीज के साथ तो डेफिनेटली बहुत एडवांसमेंट हो सकता है इंटरनेट स्पीड्स में। 5G की यूसेज ज़्यादातर IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस में काम आने वाली है,
IoT devices का मतलब है कोई भी स्मार्ट अप्लायंस या गैजेट जो इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है। जैसे आपके घर में स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट टीवी हो या गूगल की स्पीकर्स, ये सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं एंड 5G इम्प्लीमेंट होने के बाद इनके यूज केसेस बढ़ जाएंगे। 5G की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्मार्ट कार्स वुड बी अवेलेबल मोर। ये स्मार्ट कार्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बाय विच रोड्स वुड बिकम मोर सेफर एंड ट्रांसपोर्टेशन वुड बिकम मोर एफिशिएंट एज वेल। 5G स्मार्ट सिटीज में भी एक क्रूशल रोल प्ले करता है। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू स्मार्ट सिटीज में ट्रैफिक कंट्रोल, वीडियो मॉनिटरिंग, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर या इनसे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज करना इजी और एफिशिएंट बन जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही गजब होंगी। फरवरी 2018 में भारतीय एयरटेल एंड हुआवे ने मिलकर एक 5G ट्रायल टेस्ट कंडक्ट किया था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे रोक लगा दिया। अब हाल फिलहाल में जियो ने अनाउंस किया है कि ये स्क्रैच से होम ग्रोन 5G नेटवर्क इंडिया में लाएंगे, जो कि आत्मनिर्भर पे आधारित है। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा है कि देर अवेटिंग एलोकेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड अगले साल यानी 2021 तक फील्ड डिप्लॉयमेंट्स शुरू हो जाएंगे। तो 2021 से पहले अगर आप कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिसका प्राइस रेंज 5G कैपेबिलिटी रहने की वजह से ज़्यादा है, तो प्लीज़ उसे या तो इग्नोर करें या फ़ोन खरीदने के डिसीजन को अगले साल तक हॉल्ट करें। द अल्टीमेट चॉइस इज योर्स। तो अंटिल देयर इज अ फुल फ्लेज्ड रीच ऑफ 5G कनेक्टिविटी इन द कंट्री, इट वुड बी फुलिश टू स्पेंड मोर ऑन समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू एट ऑल। इससे बेहतर या तो आप उन पैसों को गरीबों में डोनेट करें या तो मुझे इंस्टा पे DM करें, मैं अपना अकाउंट नंबर दे दूंगा, ATM पिन नहीं दूंगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही था। इस हफ्ते थोड़ा लेट हूँ अपलोड्स में, लेकिन आई ऑलवेज स्ट्राइव टू ब्रिंग द बेस्ट ऑफ क्वालिटी कंटेंट फॉर यू गाइस। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके कमेंट में बताना मैं और क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकता हूँ आपके लिए। एंड एज यू नो, क्रिटिसिज्म लीड्स टू बेटरमेंट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। एंड प्लीज सब्सक्राइब करना इस चैनल को, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ने से ही और अच्छे कॉन्टेंट्स ला पाऊंगा इस चैनल में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूँ आपसे अगले वीडियो में मिलने की। बाय बाय।